स्वागत है भारत के राष्ट्रीय महायूनिवर्सिटी सुजान शिनॉय जी का। आज विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का भारतीय दूतावास की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। まずですね、インド大使館を代表しまして、本日のワールドヒンディーデーの ご来場の皆様を歓迎したいと思います。आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य जापान में भारत के राजदूत महामहिम श्री सुजान शिनॉय और टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ताकेशी भोजी उपस्थित हैं।本日は駐日インド大使スジャン・アール・チノイ閣下並びに東京外国語大学大学院ヒンディー語専攻担当、藤井武史教授を主賓としてお迎えしております。आज हिंदी राष्ट्रभाषा राजभाषा संपत भाषा और जनभाषा के स्तर को पार कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। इस कारण से भारत के बाहर भारतीय दूतावासों में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन हिंदी के अंतरराष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम है। 今日においてヒンディー語はインドの公用語だけではなく、真の国際言語として、進化を続けております。こうした背景の中、海外各国のインド大使館及び領事館におけるワールドヒンディーデー祝典の開催は今後もさらなる世界的なヒンディー語の普及に向けて極めて重要な活動であると考えております。अब मैं भारत के राजदूत महामहिम श्री सुजान शिनॉय से अनुरोध करता हूँ कि वे आप सभी को संबोधित करें। धन्यवाद। それではまずは駐日インド大使スジャン・アール・チノイ閣下に開会にあたっての挨拶をお願いしたく存じます。Professor Takeshi Fuji, Tokyo University of Foreign Studies के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, हिंदी भाषा के अध्यापक गण एवं छात्र छात्राएं, हिंदी प्रेमी भाइयों बहनों, विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में भाग लेने के लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जैसे कि आप सब जानते होंगे, विश्व हिंदी दिवस सन 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश को आप सभी के सम्मुख पढ़ना चाहूंगा। संदेश, अपार हर्ष का विषय है कि विदेश मंत्रालय तथा सभी विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी विश्व में सर्वाधिक प्रचलित भाषाओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव के साथ विश्व के सभी देशों में हिंदी सीखने में और अधिक रुचि बढ़ी है। हिंदी भाषा का आज तकनीक से जुड़ाव निश्चय ही हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी हिंदी प्रेमियों तथा हिंदी भाषियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा रखता हूं कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में और अधिक तेजी आएगी। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और नव वर्ष की शुभकामनाएं। संदेश समाप्त। विश्व आर्थिक मंच जिनीवा की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10
सर्वाधिक शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। भारत के अलावा हिंदी कई अन्य देशों जैसे कि मॉरिशस, सुरिनाम, फिजी और त्रिनिदाद में बोली और समझी जाती है। जापान भी हिंदी के प्रभाव से अछूता नहीं है। TUFS जापान में स्थित उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक है जहां हिंदी की पढ़ाई स्नातक स्तर तक होती है। जापान में सबसे पहले हिंदी का अध्यापन 1908 में TUFS में ही प्रारंभ हुआ था। मैं जापान में हिंदी के प्रचार प्रसार में उनके योगदान की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि वे इस क्षेत्र में और सक्रिय योगदान करते रहेंगे। जापानी और हिंदी भाषा में कुछ समानताएं भी है, जैसे कि वाक्य संरचना, अक्षर इत्यादि। कई जापानी शब्द हिंदी भाषा की जननी संस्कृति भाषा से प्रेरित है। उदाहरण के लिए सेवा, सेवा शब्द का अर्थ हिंदी और जापानी में एक ही है, वो है देखभाल करना। उसी तरह से तोरी, जिसका कि जापानी में अर्थ परंपरागत द्वार है, संभवतः संस्कृत के तोरण से प्रेरित है, जिसका भी समान रूप से प्रयोग होता है। इन समानताओं के पीछे संभवतः बौद्ध धर्म का योगदान है, जो कि प्राचीन काल से भारत और जापान को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इन समानताओं पर और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। इससे हमारे दो देशों के मध्य सांस्कृतिक लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2017 को भारत जापान मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के लिए नामित किया गया है। इस संदर्भ में आज का कार्यक्रम वर्ष का पहला कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के हिंदी विभाग के छात्रों द्वारा एक हिंदी नाटक का मंचन अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं उनका स्वागत करता हूं। आप सबको फिर से विश्व हिंदी दिवस पर मेरी और मेरे दूतावास की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए। हिंदी वाकई में 21वीं शताब्दी में एक आधुनिक भाषा के रूप में काफी तेजी से विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। अब मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ताकेशी फोजी को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। ありがとうございました。続きまして東京外国語大学大学院ヒンディー語専攻担当の、藤井武先生に、祝辞のお言葉を頂戴したく存じます。バルテクトゥルマハマヒンシュビースチャンチュージーオルアニエバルテケラシュッカノオルイッサバーガーメンバステパダレアダルミエアティキオオルデビオオルサチェノ。ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज हम भारत के राजदूतावास में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज की ओर से हार्दिक बधाइयों के साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे कि अब श्री गौरव गुप्ता जी ने आप लोगों से मेरा परिचय कराया, मुझे टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में हिंदी पढ़ते पढ़ाते लगभग 42 साल हो गए हैं। इसीलिए मेरे लिए ये बहुत गौरव और हर्ष की बात है। आज इस समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया है और भाषण देने का मौका भी दिया गया है।
साल 2016 के नवंबर में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जापान में पधारे तब जापान और भारत के दोनों सरकारों के बीच ये निर्णय किया गया था कि सन 2017 को जापान भारत मैत्री फोरम आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाया जाए। ये भी ध्यान देने योग्य है कि इस साल 2017 जापान भारत के राजनीतिक संबंध के 65वें वर्षगांठ का साल ही है। इस महान प्रयोजन के अंतर्गत साल भर तरह तरह के प्रोग्राम बनाए जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि आज इन प्रोग्रामों के शुरुआत के रूप में यहां विश्व हिंदी दिवस समारोह मनाया जा रहा है और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी में हिंदी सीखने वाले छात्रों द्वारा एक हिंदी नाटक का मंचन किया जा रहा है। ये खुशी इसीलिए और बढ़ जाती है कि जापान भारत के संबंध के इतिहास में हिंदी भाषा और हमारी यूनिवर्सिटी विशिष्ट काम करते आई है। जापान में हिंदी के अलावा भारतीय भाषाओं की पढ़ाई का बहुत पुराना इतिहास है। जापान में सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी में 1908 में हिंदुस्तानी भाषा और तमिल भाषा की पढ़ाई शुरू की गई है। आपको ये जानकर आश्चर्य प्रसन्नता जरूर हुई होगी कि जापान में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई की परंपरा को आरंभ हुए इस साल 109 साल पूरे हो गए हैं। तब से आज तक द्वितीय महायुद्ध के दौरान भी हिंदुस्तानी भाषा की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई, बल्कि उसमें जापानी लोगों के मन में रुचि और अधिक बढ़ गई है। ये रुचि इसीलिए बढ़ गई है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जापानी लोगों के मन में सहयोग और सराहना का भाव था। तभी तो टोक्यो शहर प्रवासी क्रांतिकारियों के एक केंद्र के रूप में बढ़ आया था। जापान में समय समय पर भारत से स्वतंत्र सेनानी आते रहे। इन लोगों में मोहम्मद बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, महेंद्र प्रताप, लाला लाजपत राय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि का नाम बहुत प्रसिद्ध और सर्वविदित ही है। बरकतुल्ला भोपाली साहब ने हमारी यूनिवर्सिटी में द्वितीय अतिथि प्रोफेसर के हैसियत से हिंदुस्तानी भाषा पढ़ाने के साथ साथ एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका इस्लामिक फ्रतांति का संपादन कार्य भी किया था। नवंबर सन 1944 में हमारी यूनिवर्सिटी में नेताजी का आगमन हुआ था तथा उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने अपने एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था। हमारा विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापकों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले इन सेनानियों के साथ भाषा से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने में बहुत बड़ी सहायता की। इस सहायता का सबसे बड़ा पक्ष था सेनानियों के साथ रहकर एक दुभाषीय का काम करना। नेताजी के आजाद हिंद फौज में के सेनानियों के बीच हमारे विश्वविद्यालय के छात्र दुभाषीय के रूप में काम करके अपना सहयोग दे रहे हैं। इसी तरह जापान में हिंदी और भारतीय भाषाओं के अध्यापन का इतिहास सिर्फ काफी पुराना ही नहीं बल्कि गहरे स्तर पर भारत जापान के संबंध से जुड़ा हुआ है और इस संदर्भ में हमारी यूनिवर्सिटी पूरे जापान में विशिष्ट और अद्वितीय ही है। इस तथ्य से ये भी कहा जा सकता है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बाद जापान ऐसा तीसरा देश है जिसके पास भारतीय भाषाओं की पढ़ाई का बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन हमारे इतिहास के विशेषता यह है कि हिंदुस्तानी भाषा की पढ़ाई उस समय की जापान की औपनिवेश नीति से कोई संबंध नहीं थी।
कोई संबंध नहीं रख दीजिए, कम से कम ब्रिटेन के मुकाबले में। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी भारत जापान के संबंध का सिर्फ साक्षी ही नहीं, सहचर भी रही है। आने वाले सन 2023 हमारी यूनिवर्सिटी की स्थापना के 150वीं वर्षगांठ का सार है। आज आपके सामने जो छात्र हिंदी नाटक का मंचन करेंगे, वे इस लंबी और गौरवपूर्ण इतिहास के सबसे अग्रे हिस्से के नौजवान हैं। इनके अभिनय को देखने से आप लोगों को अच्छी तरह पता चलेगा कि अब विश्व हिंदी की अवधारणा सचमुच ही सार्थक हो गई है। सौहार्दपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक संबंध को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के संस्कृति पर गहरी जानकारियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जापान में हिंदी भाषा का शिक्षण और वहां भारत में जापानी भाषा का शिक्षण, ये काम निश्चित रूप से करते आया है और अब भी कर रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में भी करते रहेगा। अंत में इन छोटे वाक्यों के साथ मेरा भाषण समाप्त करना चाहता हूं। हिंदी बने सेतु ब्रिटेन की, सारा बस्ता एक ब्रिटेन। धन्यवाद।